भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित कर दिया है। आपको बताएं कि तीन तलाक बिल पिछले दो सत्रों से राज्यसभा में लटका हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी पर मुस्लिम महिलाओं की तरफ से काफी दबाव आ रहा था और इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने इस पर आज अध्यादेश पारित कर दिया है। अध्यादेश पारित होने का मतलब क्या होता है? दरअसल जब सरकार किसी कानून को संसद के दोनों सदनों में पास नहीं करवा पाती तो सरकार के पास एक ये चांस रहता है कि वो अध्यादेश ले आए। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि वो कानून अगले 6 महीने तक लागू रहेगा, लेकिन सरकार को इस 6 महीने की अवधि के बाद दोबारा इस बिल को संसद में पेश करना होगा और पास करवाना होगा, और सरकार अगर ऐसा नहीं कर पाती तो वह कानून स्वतः ही रद्द हो जाता है। वैसे आपको बताएं कि तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार शुरुआत से ही आक्रामक है। इसके लिए सरकार की ओर से बिल भी पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस बिल में संशोधन तक किए गए। और आज जैसे ही तीन तलाक बिल पर अध्यादेश पारित होने की बात सामने आई तो कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दरअसल मोदी सरकार तो मुस्लिम महिलाओं को हक दिलवाने के पक्ष में ही नहीं है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले, लेकिन चूंकि अगले 8 से 9 महीनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं की आड़ में राजनीति कर रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में ये बिल पास करवा चुकी है, लेकिन राज्यसभा में अटका हुआ है। तीन तलाक बिल इससे पहले बजट सत्र और मानसून सत्र में पेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस पर इस बिल को अटकाने के आरोप लगाए जाते हैं। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा में कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। आपको बताएं कि नए बिल में तीन तलाक के मामले को गैर जमानती अपराध ही रखा गया है, लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट जमानत दे पाएंगे। खैर, मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करने वाली बीजेपी को आगामी चुनावों में इसका कितना फायदा होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को मिल सकता है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।